आज का वीडियो हमारा वायरिंग चेक करने के स्पेशल टूल्स पे है, डिजिटल सर्किट टेस्टर, वोल्टेज टेस्टर भी उसे बोलते हैं, जो वायरिंग चेक करने में बहुत काम की चीज। अभी जो न्यू जनरेशन की कार आती है लेटेस्ट, उसके अंदर सेंसर के वायरिंग चेक करने के लिए बहुत काम की चीज है। हाय फ्रेंड्स, मैं मयूर, मयूर मोटर्स बायर। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वोल्टेज टेस्टर की, जो डिजिटल सर्किट टेस्टर है, बूथ कंपनी का मैंने मंगवाया हुआ है। ये आप भी मंगवा सकते हो, कार मैकेनिक के लिए बहुत ही जरूरी चीज है ये। हम जब भी वायरिंग का काम करते हैं, छोटा मोटा कोई भी, तो इसके अंदर ये जरूरी चीज है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी कंपनी का आता है, मैं वुड्स कंपनी का मंगाया हूँ डिजिटल सर्किट टेस्टर, और इसका प्राइस भी क्या है वो आपको दिखाता हूँ। वोल्टेज टेस्टर भी उसे बोलते है, इसका प्राइस है ये। तो इसे सबसे पहले खोलते हैं, हम ओपन करते हैं, तो हमें मिलता है ये डिजिटल सर्किट टेस्टर। तो फ्रेंड्स, जो मैकेनिक को सबसे ज्यादा चीज रहती है अभी की जो नए जनरेशन की कार है, इसके अंदर चेक करने के लिए, तो ये टेस्टर है, और इसका ये क्लिप भी है, क्या गया हुआ है 3 मीटर, सॉरी, तो जितना चाहे उतना लंबा भी कर सकते हैं हम। और ये सर्किट में बताता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कार पे ले जाके। फ्रेंड्स, मैंने एक माइनस में दे दिया है, और ये प्लस में बताता हूँ मैं आपको, अगर चेक करना है बैटरी वोल्टेज हमें कुछ भी, तो यहाँ पे मैं देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइट हो रहा है स्टार्ट। थोड़ा नजीक ले आओ कैमरा, रेड कलर का लाइट है, तो उसका मतलब है फ्रेंड्स ये प्लस में हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे सिम्बॉल भी आ रहा है प्लस का, और 12.5 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बैटरी वोल्टेज भी यहाँ से सीधा चेक कर सकते हैं। कोई कोई गाड़ी में बैटरी का प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ से सेल्फ लगाने से मालूम हो जाएगा कि कितना वोल्टेज है। तो मैं दिखाता हूँ, भाई सेल्फ लगाओ, जाओ। ओके, बंद करो, लगाओ। ओके, आ जाओ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें मालूम रहेगा कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, कितना ड्रॉप हो रहा है, और रेड कलर का लाइट आएगा तो ये प्लस में लगा हुआ है, वो समझना है। अगर हम वायर चेंज कर देते हैं जब भी वायरिंग चेक करते हैं, तो और ये प्लस में लेते हैं, और यहाँ पे ग्राउंड देते हैं हम, तो यहाँ पे लीला कलर का, ग्रीन कलर का लाइट आएगा, और यहाँ पे माइनस का भी सिंबल आ जाएगा आगे। थोड़ा नजीक ले आओ, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस आ गया, और 12.5 वोल्टेज है। अगर कोई भी तार हम चेक करें तो हमें मालूम रहेगा ये माइनस है या प्लस है, अगर गलती हो गई भी फिर भी, ठीक है। तो और फ्रेंड्स, अगर दूसरी तरीके से हमें वायरिंग चेक करना है, तो मैं आपको वही दिखाता हूँ। मैंने ये फ्यूज बॉक्स का बॉक्स निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्यूल पंप का रिले है। तो सबसे पहले फ्यूल पंप का रिले हम निकाल के आपको बताते हैं कैसे चेक करते हैं। तो ये फ्यूल पंप का रिले हम निकालते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एक में तो 12 वोल्ट आएंगे, तो मैंने ग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ से सीधा चेक करते हैं, तो 12 वोल्ट आ रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हो आप यहाँ पे। और दूसरा जो इग्निशन की है वो भी यहाँ पे आ रहा है, मैंने वहां से अंदर से की ऑन किया हुआ है, तो ये की पे रहता है, अगर की बंद रहेगा तो ये लाइट नहीं आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जाओ की बंद करो, एक मिनट पकड़ पकड़, जाओ बंद करो की, ऑफ करो, ऑफ हो गया, ऑन करो, ऑन करो, हाँ सही है, आ जाओ। फ्रेंड्स, मेन में 12 वोल्ट आ रहा है, इग्निशन में भी 12 वोल्ट आ रहा है, और ये फ्यूल पंप का है, यहाँ पे तो जाएगा करंट, और ये ECM से सीधा आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से ये क्लिप है जो प्लस में लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से प्लस में लेता हूँ। अब ये स्पार्क गाड़ी है, और दूसरी गाड़ी मारुति की रहती थी, यहाँ पे सीधा 10 सेकंड के लिए दिखा था, लेकिन स्पार्क में नहीं दिखा था, स्पार्क में सेल्फ लगाएंगे तभी दिखाएगा। तो भैया जब सेल्फ लगाओ तो यहाँ पे अर्थिंग आएगा, बंद करो, चाबी बंद, ऑन, चाबी ऑन, सेल्फ लगाओ, देखो आया 11, ये 11 वोल्ट अर्थिंग दिखा रहा है ग्राउंड, फिर से करो स्टार्ट, 11 वोल्ट ग्राउंड दिखा रहा है फ्रेंड्स, आ जाओ। तो इस तरीके से हम सर्किट पूरा चेक कर सकते हैं ये डिजिटल टेस्टर से,
तो ये मैकेनिक के लिए जरूरी चीज है, तो आप भी इसे परचेस कर सकते हो। बस ये वीडियो में यही दिखाने वाला था कि आप कोई भी तरीके से यहाँ से चेक कर सकते हो कि क्या वोल्टेज है बैटरी का, रिले का, फ्यूल का, और ये सीधा हम फ्यूल पंप के सॉकेट पे भी लेके जाके चेक कर सकते हैं। हॉर्न गाड़ी का कोई भी वायरिंग हम चेक कर सकते हैं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरी मोटर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, डिजिटल टेस्टर से ये स्टेनलेस स्टील का रहता है, तो हम इससे क्या है ना फ्यूज भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ये ग्राउंड में देना है हमें, आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहीं पे भी वोल्टेज आ रहा है, तो इससे क्या है थोड़ा जल्द स्पीड में काम होता है और देखने में भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, कोई चीज में क्या रहता है सेंसर के अंदर कभी कभी कि उसका वोल्टेज कम रहता है, तो हमें कम वोल्टेज भी यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि हम कैम का या क्रैंक का वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे 5 वोल्ट में आता है, तो वो भी हमें देखने के लिए इस टेस्टर डिजिटल रहेगा तो देखने में दिक्कत नहीं रहेगी और आसानी से हम चेक कर सकेंगे। गाड़ी के सारे सेंसर के अंदर 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 12 वोल्ट सभी तरीके रहते हैं और ये टेस्टर 6 वोल्ट से 48 वोल्ट, 48 वोल्ट तक काम करता है। थैंक यू।